की जन जागरण के लिए आवास फाउंडेशन और आवास फाइनेंस कंपनी के द्वारा एक बेहतरीन मुहिम शुरू की गई है। ये लोगों को घर घर जाके प्रत्येक बस स्टैंड के ऊपर गांव में जाके नाटक के माध्यम से ये कोरोना के लक्षणों के बारे में और कोरोना के बदलाव के बारे में बताएंगे। मैं समझता हूँ कि चौबी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो इन्होंने शुरुआत की वो बेहतरीन शुरुआत है और इससे लोग जागरूक भी होंगे और कोरोना से बच भी पाएंगे। मैं इसके लिए आवास फाउंडेशन और आवास फाइनेंस कंपनी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि आपकी जागरूकता अभियान की वजह से कई लोग संक्रमित होने से भी बचेंगे। आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड द्वारा सामाजिक दायित्व के अंतर्गत CSR के अंतर्गत आवास फाउंडेशन की ओर से कोरोना के प्रति गाँव में जागरूकता अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। राज्य सरकार और भारत सरकार काफ़ी जोर दे रही है और हमें कोरोना महामारी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना है। स्पेशली अब जो ज़रूरत है, क्योंकि अब अनलॉक हो गया है, लोग अपने काम पे जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा और विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग इसके प्रति जागरूक हों, डरे ना, लेकिन थोड़ा सा सतर्क भी रहें। उसी के तहत हम जयपुर ज़िले में अभी 100 गाँवों में जाकर के और लोक कलाकार के माध्यम से उन्हीं की भाषा में, राजस्थानी भाषा में लोगों को जागरूक करने का एक अभियान है, जिससे कि लोग इस कोरोना महामारी से डरे ना और इसके साथ जमकर मुकाबला करें। और जो भारत सरकार और राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन जारी करी हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, उन सब के बारे में हम उनको जागरूक करें। आपका नाम सर? मेरा नाम मनीष तिवारी, मैं CSR देखता हूँ आवास फाइनेंस लिमिटेड।